हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार में ब्लॉक के लिए KRP पर्सन का, जो की रिसोर्स पर्सन होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट के बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि बिहार के ब्लॉक के लिए KRP की नई रिक्रूटमेंट आई है। KRP होता क्या है? की रिसोर्स पर्सन की रिक्रूटमेंट आई है। वेकेंट टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 534 पोस्ट यहाँ पर वेकेंट यानी खाली है। इस बार अभी जो वैकेंसी आई है KRP की, वो 269 सीट के लिए है। अब रही बात कि अप्लाई कब से होगा, ये फॉर्म आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 फेब से, मतलब 24 फरवरी से स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 18 मार्च है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और रही बात एज की, कि एज का क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, पहले देखते हैं किस डेट से कैलकुलेशन होगा एज का। एज ऑन 1 जनवरी 2024 21 to 45 ईयर्स, मतलब 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष का यहाँ पर आपको एज लिमिट रहने वाला है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 1979 टू 1 जनवरी 2003, मतलब कि 1 जनवरी 1979 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है वो सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है, नो एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब बिना एग्ज़ाम सीधी भर्ती होने वाली है। फॉर्म की भी फी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करिएगा कि सिर्फ बिहार के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, और अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जिस जिला से बिलोंग करते हो उसी जिला के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। और हाँ, बाद में मतलब जैसा कि प्रावधान दिया गया कि 3 साल के बाद आपका दूसरे जिला में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। चलिए आगे सारा क्राइटेरिया वगैरह समझ लेते हैं। अभी जैसा आपको पहले बताया कि बिना एग्जाम के सीधी भर्ती आई है, तो मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनती है? देखिए यहाँ पर आपको 10th का 30 मार्क्स रहेगा, 12th का 30 मार्क्स रहेगा, अगर आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक कर लिया है तो उसका आपको 30 नंबर मिलेगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी स्नातकोत्तर के लिए यहाँ पर 10 नंबर मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10th का 30 नंबर, ये सब कैसे आपको नंबर मिलेगा? आइए उसका यहाँ पर मैं समझा देती हूँ क्राइटेरिया। देखिए 45% से जिनका भी नंबर कम होगा, तो उनको मान लीजिए 10th में 30 नंबर आपका ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 30 नंबर है, तो 45% से कम जिनका रहेगा उनको 10 ही नंबर मिलेगा। 45% से 59% वालों को यहाँ पर 20 नंबर मिलेगा, 60% और उससे अभव को 30 नंबर मिलेगा। आई होप कि ये क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। इसी के आधार पर आपको जो नंबर मिलेगा उसके थ्रू आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो आपका वैकेंसी आया है वो अलग अलग जिला के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट है। आपके जिला में क्या सीट है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा, तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। 10th, 12th या ग्रेजुएशन, मतलब मान लीजिए आप सिर्फ 10th पास है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा। 10th, 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका आवासीय होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि जो OBC है उनको NCL का सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट है, आप मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का टाइप क्या है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको उसमें क्लैरिफाई कर दिया गया नोटिफिकेशन में कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, लेकिन इसमें आपको 60 वर्ष की उम्र तक काम करने का मौका दिया जाता है। ये आपको शिक्षा विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई है।
अब वर्क प्रोफाइल क्या है की रिसोर्स पर्सन का? देखिए, जैसे कि आपको अपने ब्लॉक में मान लीजिए किसी एक टोला या वार्ड का आपको काम दिया जाएगा, वहां पर आपको शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी होगी, जैसे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला शिक्षा से लेके आपको साक्षरता के लिए जागरूकता फैलाना होगा। अब आपका यहाँ पर है तो ये काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, लेकिन परमानेंट ही समझ लीजिए 60 वर्ष की उम्र तक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर काम करने नहीं जा रहे, आपको जो काम दिया जा रहा है आप ढंग से करोगे तो 60 वर्ष की उम्र तक, नहीं तो जब भी इसका हर 2 साल में जांच होगा, मान लीजिए कि आप सही ढंग से काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि सैलरी क्या मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि आपको 20 दिन का पर डे का 500 के अकॉर्डिंग, मतलब एक दिन का 500 रुपये आपको मिलेगा और 20 दिन काम करना होगा, तो टोटल आपको 10,000 यानी 10K मिलेगा सैलरी। लेकिन हाँ, अगर आप 20 दिन से ज़्यादा काम करोगे तो एक दिन के 500 के अनुसार जोड़ लीजिए, तो वो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अभी भी मन में इसके प्रति अगर कुछ भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हो। और पहले ही आपको बताया कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।